140 शब्द प्रति मिनट। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, इसलिए कृषक और काश्तकारों की परेशानी को भली भांति समझता हूँ। इस वर्ष हमारे इलाके के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है, इस कारण से धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र 10% रोपाई हो पाई, पानी के अभाव में उसमें भी फसल नहीं हुई, इसलिए कृषक लोग अनशन पर बैठे हैं। इस संबंध में कृषक ज्ञापन देकर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं, फसल बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, किंतु उन्हें राशि नहीं मिली और ना ही शासन की ओर से किसी प्रकार के राहत देने के संबंध में घोषणा की गई है। कृषकों का कहना था कि उन्होंने अपना कीमती जेवर जमीन गिरवी रखकर जून जुलाई में रोपाई का काम किया था, वह भी कीट प्रकोप से चौपट हो गई। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस वर्ष की फसल सेवा सहकारी समिति को कर्ज वसूली में दे दी है। बाजार से लिया गया ऋण कैसे अदा करें, आने वाले समय में कैसे खेती की बुआई करें, इस विकराल समस्या से कृषकों को भारी चिंता हो रही है। अब भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है। किसान इस समस्या को लेकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धान उत्पादक कृषकों के प्रति प्रशासन की इस उपेक्षा पूर्ण भेदभाव की नीति के कारण उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस ओर ध्यान देना चाहेंगे। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषक फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे हुए थे। मौके पर ज्ञापन प्राप्त कर उनसे हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों द्वारा फसल बीमा राशि की मांग की जा रही थी। इस संबंध में प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रवि फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। कीट प्रकोप के कारण किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। जहां तक भूख से मरने के संबंध में जो बात कही गई है, वहां तक यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई उपेक्षा भेदभाव नहीं किया जा रहा है और ना ही शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त है।